नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। थाना नारखी के गांव नगला राम कुंवर में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया है कि अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। दलित समाज के लोगों ने जमकर 4 से 5 घंटे तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। किया दलित समाज के लोगों की मांग थी कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की चारों तरफ दीवार लगाई जाए। गांव के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे SDM राजेश कुमार वर्मा ने दलित समाज के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। संवाददाता रेहान अली फिरोजाबाद से यह रिपोर्ट। ये देखिए, मामला हमारे बताया था हमें JP जाटव जी ने, जो कि भीम आर्मी से हैं। जी जी। तो उन्होंने हमको बताया, हमें अवगत कराया, तो हम यहाँ पर आए। आकर देखा तो ये वास्तविक ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा को खंडित किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी किसी एक समाज, एक जाति, धर्म के लोग, धर्म के लिए नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत निर्माता और संविधान उन्होंने लिखा है, तो हमारे सभी लोगों के हैं जो भी हिंदुस्तान में, उन सभी लोगों के हैं। और जिस तरीके से बाबा साहब के वो संविधान को उठा के ले गए, यहाँ से निकाल के ले गए, तो ये बहुत निंदनीय है। और हम यही मांग करते हैं कि देखिए, ऐसे लोगों पे, असफल तबसित के जो लोग हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं देश के अंदर, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे से वो ऐसी हरकत नहीं कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्य के दौरान यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई संभावित है, क्योंकि डाटा फीडिंग के दौरान पटवारियों से गलती हो सकती है। रोजगार सहायक इस कार्य में सहयोग करते हुए अर्नगल असत्य आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान में उपलब्ध डाटा विसंगतियों से युक्त है, सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटियां आ रही हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि का कार्य जो चल रहा है, उसमें पटवारियों ने ज्ञापन दिया है कि कुछ कुछ चीजें की समस्या है। मुख्यतः एक चीज में समस्या है जिससे हम वाकिफ भी हैं और बात भी कर रहे हैं शासन से। बहुत शीघ्र ही उसमें पार्शियल अपलोड की फैसिलिटी जब आ जाएगा, तो जो शामला की किसान है जिसमें 4 में से 3 का अगर खाता कलेक्ट हो जाता है, फिर भी 1 का रह जाता है, मान लीजिए बहन है या अन्य कहीं वो है या भाई यहाँ पे नहीं है, उसके वजह से 1 खाता भी संपूर्ण रूप से अपलोड नहीं हो पाता है। तो इनका काम, जितना मेहनत ये कर रहे हैं, इतना प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है पोर्टल में। तो उसके लिए पोर्टल के संशोधन के लिए सुझाव हमारे यहाँ से पहले भी चला गया है और शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई भी होगी। आज जो ज्ञापन दिया गया है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें आ रही परेशानियों को लेकर, जो हमारी डाटा और कहना चाहिए उन सारी चीज़ों को लेकर जो दिया गया है ज्ञापन, उसके तहत असल में क्या था कि हमने 4 दिन पहले श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था हमारी सारी समस्याओं को लेकर। उस दिन भी माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारी समस्याओं को नकारते हुए और हमें ऐसे बोला कि नहीं नहीं, वो तो आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा हुआ। लेकिन फिर उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि हम आपको एक सहयोग के लिए ग्राम पंचायत का जो GRS होता है ना, उसको विद संसाधन, मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप द्वारा वो लोग काम करते हैं, उसके साथ हम आपके साथ उन्हें संलग्न करेंगे, वो आपका काम निपटाएंगे। क्योंकि आज 4 दिन निकल गए थे, उसके बाद किसी भी GRS ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा वो लोग कल हमारे विरुद्ध श्रीमान कलेक्टर महोदय को ही ज्ञापन दे गए कि वो लोग कभी कोई काम करते नहीं है और ज़बरदस्ती हम लोगों को लगवा रहे हैं। तो चलो, जो भी था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है, अब इसमें अधिकारियों का प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम 5 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा गाँव जो है कि फिनिश कर दें, ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, उसका रीज़न है, जिसका ज्ञापन हमने पहले दिया था कि इसमें जो इस पोर्टल पर जो डाटा आ रहा है वो क्या है, आज से करीब जो कि 6-7 साल पुराना डाटा है, उसमें अब इतने कमिटमेंट हो चुके हैं कि उनमें कुछ लोग तो जो कि फोत हो गए तो उनके बारिशान आ गए, कुछ लोग जो कि ज़मीनें बिक गई, उनकी रजिस्ट्रियाँ हो गई। अब वो कल को अगर हम इन लोगों के नाम से अभी उसमें हम सबमिट कर दें और कल पता लगा कि उसी ऑडिट होती है, तो वो लोग किसान है ही नहीं आज, मान के चलिए जो मर गया या फिर जो बेच के चला गया, वो किसान है ही नहीं। और उसके नाम से जो कि हमने जो डाल दिया तो वो 6,000 रुपये प्राप्त कर रहा है, ऑडिट होती है, फंसेगा कौन,
पटवारी। शौचालय निर्माण में अनियमितताओं का आरोप नगरपालिका के विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लाल दरवाजा से एकत्रित होकर पहुंचे नगरपालिका समाज सेवी विजय मिश्रा के नेतृत्व में कर रहे हैं आंदोलन। कामा नगरपालिका क्षेत्र के शौचालय से जुड़ा हुआ है प्रकरण। आमिर खान की रिपोर्ट कामा से। समाज सेवी मोहन रोकड़े द्वारा लीगल एंड क्लिनिक के माध्यम से शासन की जन कल्याण योजनाओं को जन समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जा रही है। दूर दराज से आए हुए ग्रामीणों उम्मीद की किरण लिए लीगल एंड क्लिनिक पर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कराते हुए शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। खंडवा खालवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।